जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म। मैथ्स प्लेटफॉर्म आज आपके लिए जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी से एक नया वीडियो लेके आया हुआ। आप हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पे बने रहे ताकि आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट दिलाने के लिए मैथ्स प्लेटफॉर्म आपसे दावा करता है कि आपको जो भी क्वेश्चन बताएगा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन बताएगा, चाहे पे पूछे गए एग्जाम से आप मिलाकर देख सकते हैं। जो भी आपका 28 दिसंबर से लेकर जो भी आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो भी एग्जाम हुआ है आप उसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन आया हुआ नहीं आया हुआ है। सो यदि आपका लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारा वीडियो को आज से ही देखना बंद कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमारा वीडियो आज से देखना चालू ही कर दीजिएगा, ताकि आपको क्या मिलेगा कि एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ताकि आप साथ ही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने में भी काम देगा। और आपका जो है यदि आपको लगता हो कि हमारा कैलकुलेशन कमजोर है तो हमारे यहाँ पे आई बटन पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, ताकि हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं आई बटन पे कि आपका जो भी जितना भी प्रॉब्लम जो है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड हम सारा यहाँ पे वीडियो डाल चुके हैं। आप वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट में भी जाके देखिएगा, जितने भी तरह के क्वेश्चन है कैलकुलेशन से रिलेटेड, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, स्क्वायर वर्ग जितने भी है सारा वीडियो हम डाल चुके हैं। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन का गारंटी लेते हैं कि आपका स्पीड 100% होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आज के लिए क्या नया वीडियो है सो जो कि एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया हुआ है, cos 42 डिग्री इक्वल टू क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। ठीक है, फिर है तो हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या tan 48 डिग्री का मान क्या होगा, tan 48 डिग्री, तो tan 48 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिएगा यहाँ पे हम इसको कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 42 डिग्री दिया हुआ है, तो 42 डिग्री दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री में से 48 को घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 42 आपका आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ वो आपका यहाँ पे पी दिया हुआ है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा के बदले में आप क्या लिखेंगे, 48 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे पी ऊपर में है, एच के नीचे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 करेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को हम यहाँ पे बनाते हैं। ट्रायंगल को जैसे ही बनाएंगे हम क्या बोले, ये जो आपका होता है ट्रिगोनोमेट्री का पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब क्या, ये आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। ये आपका पी है और ये आपका बी है और ये आपका एच है। ठीक है, तो पी के तौर पर यहाँ पे क्या हमारा 1 है। ठीक है, और एच के तौर पर, सॉरी, पी के तौर पर पी ही आपका और एच के तौर पर आपका क्या है, 1 है। हम यहाँ से क्या करते हैं, बी का वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का वैल्यू को निकालेंगे तो वैसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ क्या करते हैं, बी का बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है यहाँ पे, ये होता है 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या निकाले, बेस जब निकाले तो बेस बराबर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंबा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को कैसे कैसे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आधार जो हमारा हो गया, आधार हमारा कितना हो गया, 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। जब हमारा यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 48 डिग्री का मान। ठीक है, 10 48 डिग्री, तो 10 बराबर अभी हम क्या लिखे थे, 10 का भी जो हम लिखे थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पी बाई बी, बी बाई एच और एच बाई यहाँ पे जो लिखे थे अभी आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब बोलने का मतलब क्या था, पी बाई बी। टेन थीटा का हम लोग क्या यूज करते हैं, पी बाय बी के रूप में यूज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखिए 10 48 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 48 डिग्री को क्या लिखेंगे, पी बाय बी। तो पी के तौर पर तो हमारा पी ही रहेगा। ठीक है, और बी के तौर पर क्या रहेगा हमारा, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जो कि यही आपका आंसर है, आपका ऑप्शन में आपका ऐसा ही रहेगा, जो कि आपका यही आपका आंसर है और यही हमसे पूछ रहा था 10 48 डिग्री का मान क्या होगा, तो पी बाय अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर होगा। इस टाइप से वीडियो भले ही आपको देखने में बोर लग रहा होगा लेकिन ये रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, 27 मार्च का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेके आए हुए हैं। हम जितने भी सारे क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं सब आपका एनटीपीसी का ही सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन की हम अपने से बता रहे, नहीं,
जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम क्या लेके आए हैं। क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 4√3 है। कितना है? 4√3 है। ठीक है, जब ये हमारा यहाँ पे क्या दिया, 4√3 दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दिया हुआ है ये आपका कितना दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, तो 4√3 है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, सबसे मस्त क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2a होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, √3/2, और हमको यहाँ पे भुजा कितना दिया हुआ है, 4√3 दे दिया है। इसको यहाँ पे काट दीजिए तो आपका 2 बार में कटेगा, 2 इंटू यहाँ क्या कीजिएगा, √3 इंटू √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आपका कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 दुना कितना हो गया, 6 हो गया, और यही रहा आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, और यदि आप अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लैंग्वेज को बड़ा करके नहीं लिखा रहे, ताकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को छोटा करके हम यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि यहाँ पे टाइम थोड़ा सा आप लोग को मिल सके, जल्दी क्वेश्चन को आप लोग बना सके। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए कोई काम को, ए जो है कोई काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी जो है कोई काम को कितना दिन में कर सकता है, वो तो 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि जब साथ में, मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलकर जब काम करता है, जब तीनों मिल जाता है, तो वही काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो हमसे इसमें पूछ रहा था क्या कि तीनों के बदले में जो आपका पैसा मिलता है, तीनों के बदले में जो आपका पैसा मिलता है, 2,880 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 2,880 रुपया मिलता है। तो बोलता है क्या इसमें क्वेश्चन में कि सी का आखिर हिस्सा कितना होगा, हमसे क्या पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और आपको विश्वास दिलाते कि ये क्वेश्चन जो बनाइएगा एकदम चुटकी बजाते ही आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला बात, यहाँ पे जो जो दिया उसको आप लिखिए, ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, फिर यहाँ पे तीनों को लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों का दिया हुआ है। ए का कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा। बी का कितना दिया हुआ है, 15 है, तो 15 लिख दीजिएगा। ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहा था, 5 दिन में काम कर रहा था, और तीनों के बदले में टोटल जो पैसा दिया हुआ है, 2,880 रुपया दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा था सी का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 12, 15 और 5 का जो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे देखिएगा 12 का टेबल 5 बार पढ़िएगा, 60 आ जाएगा। 15 का टेबल आप 4 बार पढ़िएगा तो 60 आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 12 बार पढ़िएगा तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे कैसे इसको यहाँ पे कर रहे हैं। ए का काम तो हमारा यहाँ पे 5 निकल गया, ए के नीचे 5 लिख दीजिए। बी का यहाँ पे कितना निकल गया, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। टोटल काम तो हमारा कितना है, टोटल काम जो हमारा जो था इसमें, देखिए टोटल जो हमारा था इसमें 5 दिन था। ठीक है, टोटल जो हमारा इसमें था ए बी सी का, टोटल काम तो हमारा 5 दिन था, टोटल जो हमारा 5 दिन था इसमें था, लेकिन इसमें हम क्या किए हैं कि ये जो हमारा जो है टोटल 12 दिन ये काम कर सकता था, लेकिन इसमें कितना हुआ, इफिशियंसी के तौर पर 5 दिन हुआ। बी का टोटल 15 दिन में काम कर सकता था, लेकिन इसका इफिशियंसी कितना हो गया हमारा, ये 4 हो गया। लेकिन ये तीनों मिलकर जो है इसका इफिशियंसी कितना है, 12 है। लेकिन हमको क्या करना है, यही 12 को आपको क्या करना है, तीनों में कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए ए का हमारा यहाँ पे 5 हो गया, बी का हमारा 4 हो गया, तो टोटल 12 में से 9 तो हमारा खत्म हो गया, टोटल 12 में से तो 9 हमारा खत्म हो गया। मतलब जो सी जो है सो कितना काम क्या होगा, 3 दिन काम क्या होगा। तो बस हमको सी के बारे में पूछ रहा था कि सी आखिर वो उस काम के लिए कितना, तो यहाँ पे देखिए सी का कितना हो गया, 3/12, 5/9, 3/12, और टोटल के लिए हमको कितना पैसा मिला था, 2,880 रुपया मिला था। यहाँ से आप कट कट कर दीजिए, कितना होगा, 3×12 हो जाएगा, यहाँ से कर दीजिएगा, 4×7 28 हो जाएगा, और 4×2 8 हो जाएगा। मतलब क्या सी का जो मिलेगा वहां पे पैसा कितना मिलेगा, 720 रुपया मिलेगा, और यही रहा आपका आंसर।
उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो ये आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी चाहे जीडीएसएस जितने भी वीडियो को डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।